अतुल जी, यहाँ पर देखिए मिडिल क्लास के लिए 7 लाख तक टैक्स को किस तरह से राहत पहुंचाने का काम किया गया है यहाँ पर टैक्स के मामले में। वहीं फ्री में अनाज योजना को 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। स्टार्टअप योजना के जरिए छात्रों को फायदा पहुंचाने के लिए युवाओं को टारगेट कर रही है। वहीं आदिवासी क्षेत्रों में 15,000 करोड़ रुपए देकर वहां के लोगों का विकास करने की सरकार की ये जो योजना है, क्या आपको लग रहा है कि हर जगह कमी ही है और इस बजट को वो घर घर तक पहुंचाना भी चाहती है ताकि 2024 को साधा जा सके? इस प्लान को कैसे देख रहे हैं अतुल जी आप? चित्रा जी, इस बजट के सिलसिले में पूरे मंत्रिमंडल के लोग और पूरे भाजपा के लोग प्राण प्राण से जुटे हैं कि सच्चाई को किस तरह से उस पर कालिख पोती जाए। मैं कहता हूं लिखा गया है अमृत काल का ये बजट है, अमृत काल का विष से भरा हुआ विषकाल का बजट है। ये विषकाल का बजट है। इसमें सिर्फ एक झुंझुना है, 5 लाख से 7 लाख, बाकी क्या है ये कह देने मात्र से कि हमने एक दलित को राष्ट्रपति बना दिया, एक शेड्यूल कास्ट को मैंने जो है राष्ट्रपति बना दिया, एक वनवासी शेड्यूल ट्राइब को हमने राष्ट्रपति बना दिया। इस बजट के आंकड़ों में अगर आप देखेंगे कि एससी एसटी को सिर्फ बजट का 3.5% एससी को मिला है और कुल मिलाकर के आप देखें कि इनकी आबादी लगभग 15% है और एसटी को सिर्फ 2.7% इस बजट में स्थान मिला है जिनकी आबादी 8.5-9% इस देश के अंदर है। जहां तक ये बात करते हैं, क्या हाल है उनकी दयनीय, रोजगार की बात नहीं करना चाहते। अब स्टार्टअप का झुंझुना दे रहे हो, स्टार्टअप में तो आपका रुपया डूबता चला जा रहा है। बैंकों से जो दिलवाया गया है कोई स्टार्टअप से पैसा वापस मिल नहीं रहा है। 12 लाख करोड़ रुपए एनपीए में आपके जो तमाम मित्र देश में से लूट करके चले गए हैं उनके बारे में कोई चर्चा नहीं है। इस बजट में इसकी चर्चा होनी चाहिए थी कि ये जो बजट के अंदर सेबी क्या कर रही है, सेबी का काम क्या है, ये क्यों जो है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नीचे गिरावट हुई, ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट क्या है, कोई बात नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से 17वें नंबर पर नंबर एक का आदमी चलाया। इतनी बड़ी लूट है उसके अंदर, आप इसकी भी चर्चा नहीं कर रहे कि पेगासस में क्या हुआ। तो आप सब लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, आप बड़ा भारी गांव तक, अरे हम भी गांव तक ले जाएंगे। आप 50 प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, हम 200 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बचाएंगे। आप कह रहे हैं एग्रीकल्चर में हमने बहुत किया, अब गिनते जाइए। मैं एक मिनट के लिए सामने लेना चाहता हूं, टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स के ऊपर 2022-23 में 1,51,521 करोड़ का प्रावधान था, जिसे 2023-24 में 1,44,000 करोड़ रुपया कर दिया गया, 5% गिरा दिया गया। ये कह रहे ना किसान की आय दुगनी करेंगे, कैसे दुगनी करेंगे? एग्रीकल्चर एंड अलाइड एंड टोटल बजट 3.4% का था, आज ये 3.2% का करके रख दिया। आपने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 15,000 करोड़ का काम किया था, उसे घटाकर 13,625, 12% कम कर दिया। आपने प्राइम मिनिस्टर किसान योजना का 68,000 करोड़ था, उसे घटाकर 60% कर दिया, ये 13% की गिरावट कर दी। मनरेगा में 73,000 करोड़ रुपया था, आपने घटाकर 60,000 कर दिया, ये 18% घट गया। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में 10,433 करोड़ रुपया था, जिसे घटा के 7,150 करोड़ करके सबसे ज्यादा 31% की कटौती कर दी। और प्राइम मिनिस्टर की आशा प्रोग्राम जो एमएसपी के तहत आता था, उसे 1 करोड़ दिया था, उसे हटाकर खत्म कर दिया। हम वो आंकड़े दिखा रहे हैं जी। और प्राइस सपोर्ट मार्केट इंटरवेंशन था 1,015 करोड़ का, उसे घटा करके आपने 0.1 करोड़ करके सब समाप्त कर दिया। तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ग्रामीण भारत के लिए ये विपदाओं से भरा हुआ बजट, ये ग्रामीण भारत के साथ इंसाफ नहीं करता। पेट्रोल अलग, डीजल अलग, सबसे ज्यादा जीएसटी कौन देता है जीएसटी? अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट का जिक्र नहीं किया लोगों ने, ऑक्सफैम की रिपोर्ट को क्यों नहीं कहा उस वित्त मंत्रालय में, और वित्त मंत्री महोदय ने अपने भाषण में ऑक्सफैम की रिपोर्ट को नकारा क्यों नहीं? ठीक है, इसका मतलब स्वीकार कर लिया। गौरव भाटिया जी, आप जवाब दे दीजिए। ठीक है, देश की 40% दौलत है और ये सब आर्थिक नीतियों से पैदा हो रही है। कहां कहां सरकार की ओर से बजट में बड़ी कटौती की गई है, विस्तार से उन्होंने उसकी जानकारी दी है। गौरव भाटिया जी, ऐसा क्यों किया गया? वो कह रहे हैं कि ग्रामीण भारत की रीढ़ तोड़ने वाला ये बजट है। देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने बिल्कुल गलत कहा है। ग्रामीण भारत की ही पहले बात कर लेते हैं, उनके आंकड़े ही गलत है। मैं समझ नहीं पाया, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, गलत आंकड़े क्यों दे रहे हैं? जो ग्रामीण डेवलपमेंट का बजट था,
ये 31,911 करोड़ बड़ा है, इस बार 2,38,204 है, 2022-23 में ये 2,06,293 करोड़ था, पहली बात। दूसरी बात, आप देख रहे कैसे गुमराह करते हैं, तर्क के नजरिए से देखिए। इन्होंने कहा जो SC ST की आबादी है वो इतनी है, लेकिन बजट का परसेंटेज जो है वो बहुत कम है। मैं पूछना चाहूंगा, जो PM आवास योजना जिसको करीब 31,590 करोड़ बढ़ाया गया है और बजट कर दिया गया है करीब 80,000 करोड़ का, इसका लाभ क्या SC ST को नहीं मिलेगा, क्या OBC को नहीं मिलेगा? जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि हम हर घर में जल पहुंचाएंगे और 10,000 करोड़ बजट बढ़ा देते हैं जल जीवन मिशन का और 70,000 करोड़ कर देते हैं, क्या उसका लाभ SC ST को, OBC को, माइनॉरिटी को नहीं मिलेगा? देखिए होता क्या है चित्रा जी, मैं और बिंदु पे भी अभी जवाब दूंगा, ये लोग अध्ययन भी ढंग से नहीं करते हैं। कह रहे हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात है इतना, इसके बजट होना चाहिए इतना। क्यों? जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो हमने बताया उसका लाभ जो है वो SC ST को नहीं मिलेगा, उनके लिए अलग सड़क आप बनाना चाहते हैं, ये तो आपकी सोच है। तीसरी बात मैं बता दूं कि जब आप जनजाति की बात करते हैं, अनुसूचित जनजाति की, तो ये भूल जाते हैं किस तरह से 740 नए रेजिडेंशियल स्कूल बनाए जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ये मानते हैं कि शिक्षा से ही उनके उज्ज्वल भविष्य का रास्ता निकलेगा। और एक बात मैं और बता दूं, वो समय याद करिए जब वन रैंक वन पेंशन 2013-14 में ये लागू करती है कांग्रेस की सरकार, लेकिन 500 करोड़ का बजट छोड़ के जाती है, केवल सपना दिखाती है। और आपको मालूम है 50,000 करोड़ रुपए का भुगतान जो हमारे सेवानिवृत्त जितने लोग हैं उनको मिला है, क्योंकि वन रैंक वन पेंशन लागू हुई। ये क्या दिखाता है? सपने दिखाते हैं, ये पूरा करते हैं नरेंद्र मोदी जी, और इसीलिए इनको दर्द होता है।